हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीएल चौधरी आज यूपीएसआई का भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास लेकर के आया हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो यूपीएसआई में प्रश्न आ चुके हैं या जिस टाइप के प्रश्न आते हैं, मैं पूरे सिलेबस की चर्चा करते हुए आगे बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, जितना मैं इस टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा, इससे बाहर न कभी ज़िंदगी में पूछा गया था, न पूछा गया है, न पूछा जाएगा। तो आज मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का पहले सिलेबस समझाते हुए मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला हम ये पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे समृद्धि तथा विकास, समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन। तीसरा हम जो क्लास करेंगे बेरोजगारी, हर टॉपिक से एक दो प्रश्न हमेशा आता है। अगला जो हम बात करेंगे राजकोषीय नीति की, अगला है मुद्रा एवं बैंकिंग, और अगला जो हम पढ़ेंगे मुद्रा स्फीति, एवं संकुचन। अगला हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अगला जो हम पढ़ेंगे कृषि नीति। अगला पढ़ेंगे विदेशी व्यापार। अगला पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अगला पढ़ेंगे योजना आयोग। और फिर अगला पढ़ेंगे शब्दावलियां। देखिए, इतने टॉपिक को हम आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाएंगे। अब हम एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसमें हम इसको समझाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई देश है, और यदि ये कोई देश है तो इसमें देखिए तीन काम होता है। पहला काम होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। दूसरा काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। और तीसरा काम होता है कंजप्शन, उपभोग। प्रोडक्शन देखिए दो प्रकार का होता है, गुड्स एवं सर्विस, और उपभोग भी दो प्रकार का होता है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। ध्यान से समझिए चीजों को। उत्पादन दो तरीके का, वस्तु का, सेवा का। वस्तु में टीवी, पंखा, एरीज, फ्रिज, कूलर, ये सब आएगा, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सेवा में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक आएंगे, जिसे न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं, मैं आपको कई किलो पढ़ाया, क्या आप तौल के बता पाएंगे, नाप पाएंगे? न इसे तौल पाएंगे, न नाप पाएंगे, तो इसे हम सेवा कहेंगे। मान लो ये मार्का बन जाए दिल्ली में, दिल्ली में ही रह जाए, तो इसका कोई मतलब है नहीं। दिल्ली से आया इलाहाबाद, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन।
ये किसी दुकान में रखा रहे तब भी इसका कोई मतलब नहीं। दुकान से हमने खरीद लिया और बोर्ड पर हमने लिख दिया, ये हो गया उपभोग। उपभोग देखिए दो प्रकार का, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। टिकाऊ उसे कहते हैं जिसे एक बार नहीं बल्कि बार बार यूज किया जाए, जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज। गैर टिकाऊ उसे कहते हैं जिसे एक बार यूज किया जाए, जैसे खाद्य सामग्री। जैसे एक गिलास जूस पी लो और कहिए फिर निकल फिर पियेंगे, संभव है? नहीं है। चमेली का तेल सर में लगा लो, कह दो चल फिर निकल फिर लगाएंगे, हो पाएगा? खाना खा लीजिए और कहिए फिर निकल फिर खाएंगे, हो पाएगा? नहीं। तो टिकाऊ का मतलब जिसे कई बार यूज किया जाए, गैर टिकाऊ का मतलब जिसे केवल एक बार यूज किया जाए। अब हमें अर्थव्यवस्था की परिभाषा करना है कि एक देश के अंतर्गत जब उत्पादन, वितरण और उपभोग ये तीनों प्रक्रिया संपादित की जाती है तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब एक देश के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और उपभोग ये तीनों प्रक्रिया संपादित की जाती है तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। दुनिया में देखिए हर चीज सीमित है लेकिन लोगों की आवश्यकताएं असीमित है। ध्यान से चीजों को समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। पूरी इकोनॉमी से में आपको जितने भी प्रश्न आएंगे गलत होने के कोई चांस ही नहीं रहेगा। अब देखिए इकोनॉमिक्स कहती है कि सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना ही अर्थशास्त्र है। दुनिया में हर चीज सीमित है लेकिन लोगों की आवश्यकताएं असीमित है, अनलिमिटेड है। जैसे 500 रुपए लेकर के बाजार जाइए, ये पैसा आपका सीमित है। जैसे ही आप बाजार जाते हैं मन कहता फुल्की भी खा ले, मन कहता चाट भी खा ले, मन कहता कपड़ा भी ले ले, मन कहता टीवी भी ले ले, मन कहता पंखा भी ले ले। मन तो बहुत कुछ करता है लेकिन ये पैसा क्या है? सीमित है। तो सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे समझिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं और ट्रिपल पी मॉडल पर चलती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आगे हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन। समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन। देखिए समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश में किया जाता है, विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में, जैसे भारत। समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है, विकास एक व्यापक विचारधारा है। समृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन को देखा जाता है, विकास में मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। समृद्धि में केवल जीडीपी चेंज देखते हैं, विकास में जीडीपी के साथ साथ एचडीआई चेंज भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक गेहूं का पेड़ है, ये इसमें फर लग गया। अब हमने गेहूं को बोया, फिर सिंचाई, निराई, गुड़ाई, पानी किए, फिर ये बढ़ना स्टार्ट किया। बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आ गई, ये बाली लगने के पहले की स्थिति, ये बाली लगने की बाद। तो जो यहां से यहां तक हुआ इसे हम बोलेंगे विकास और यह व्यापक होता है। फर लग जाने के बाद यह संकुचित होता है, इसी को हम समृद्धि बोलते हैं। समृद्धि एक छोटी विचारधारा है। प्रश्न उठता एक समस्या, यहां से यहां तक ज्यादा है कि यहां से यहां तक? तो जरा समझिए, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा समस्या है क्योंकि निराई, गुड़ाई, सिंचाई, पानी, खाद ज़्यादा समस्या है। फर लग जाने के बाद कोई समस्या नहीं है, केवल खेत से काटना है, खाना है। यहाँ मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब होता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। जैसे किसी व्यक्ति को एक गिलास जूस पिला दिया जाए और 50 किलो की बोरी लेकर चला जाए, और फिर उसे 50 गिलास जूस पिलाया जाए तब भी 50 किलो की बोरी लेके जाए, तो एक गिलास की जो जो जूस की कैपेसिटी है उसे हम बोलेंगे क्वालिटी चेंज, और जो 50 गिलास है उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी चेंज।
आगे देखिए जीडीपी वगैरह ये सब हम नेशनल इनकम वाले चैप्टर में विस्तार से समझाएंगे, अभी हम बताते हैं एचडीआई क्या है। एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। आप देखिए यूएनडीपी से जुड़े हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया, किसने दिया, महबूब उल हक ने दिया। समर्थन किसने किया, तो समर्थन सिंगर हंस प्लस आमर्त्य सेन ने किया। इन्होंने कहा कोई देश विकास कर रहा है कि नहीं हम कैसे जानेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ाऊं मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पढ़ाया वो आप लोगों ने सीखा कि नहीं। इसके लिए इन्होंने तीन आयाम बताया, पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा साक्षरता दर और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। और इसका मान रखा 0 से 1, 1 की ओर बढ़ना बेहतर स्थित, 0 की ओर बढ़ना खराब स्थित। जीवन प्रत्याशा का मतलब जन्म के समय जो आशा कर ली जाए कि कोई बच्चा कितने दिनों तक जीवित रहेगा, उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो इन महबूब उल हक ने कहा ये तीनों बढ़े तो हम कहेंगे कि किसी देश का विकास गुणवत्ता के साथ हो रहा है अन्यथा नहीं हो रहा है। 2018 में एचडीआई रैंकिंग 189 देशों में प्रथम स्थान नॉर्वे का, 130वां स्थान भारत का है। आगे हम बढ़ते हैं चीजों को समझते, चलिए सारी चीजों को आगे और विस्तार से एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे समावेशी विकास, तीव्र समावेशी विकास क्या होता है और दूसरा पोषणी विकास क्या होता है या धारणी विकास। तो चीजों को समझो, समावेशी विकास का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में और पोषणी विकास का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पिछली बार एसआई में आ भी चुका है। तो जरा समझिए समावेशी विकास का मतलब कि विकास की ऐसी लहर कि कोई वर्षा की ओट में ना रह जाए। जिस तरह प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी तरह सरकार को भी किसी भी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे बारिश होती है तो चाहे लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, अंधा हो, सबके ऊपर पानी गिरता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। धूप निकलती है तो उसमें सबके ऊपर धूप लगती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, सब लोग उसमें लगती है। तो जिस तरह प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी तरह सरकार को भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि विकास समावेशी है अन्यथा नहीं, अर्थात सरकार की योजनाओं का लाभ यदि जन जन तक पहुंचता है तो हम कहेंगे विकास समावेशी है अन्यथा समावेशी नहीं है। आगे आइए पोषणी विकास या धारणी विकास, इसका मतलब है कि वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकता में किसी भी प्रकार की कटौती ना किया जाए तो हम कहेंगे विकास धारणी है अन्यथा नहीं। अर्थात पोषणी विकास का मतलब विकास ऐसा हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इस टॉपिक में हम ये सारी चीजों को बताएंगे और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक में हम आपको बताएंगे बेरोजगारी, पंद्रह से पहले 65 के बाद की जनसंख्या को आश्रित कहते हैं, विकसित देश, विकासशील देश,
यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम, यहाँ संरचनात्मक होती है, यहाँ दो तरीके की घर्षण जनित, दूसरा चक्री, यहाँ शहरों में अलग शहरी, गांव में अलग ग्रामीण, शहर में दो प्रकार की इंडस्ट्रियल औद्योगिक, दूसरा है शिक्षित, यहाँ गांव में पर मौसमी, अगला है प्रच्छन्न या छिपी। तो ध्यान से समझिए, प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करना चाहे उसे काम ना मिले तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहेंगे, और जिसे काम मिल जाए करना ही ना चाहे तो उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे। 15 के पहले बच्चे अपने माता पिता पर, 65 के बाद बुजुर्ग अपने बच्चों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। विकसित देश में सप्लाई ज्यादा होती है जिसके कारण बेरोजगारी उपलब्ध होती है। भारत जैसे देश में संरचनात्मक होती है स्किल के अभाव में, कौशल के अभाव में। घर्षण जनित के मतलब कि एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाने में जो समय लगता है, जितने दिनों तक वो बेरोजगार रहता है उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। चक्री मांग के अनुसार चलती रहती है, औद्योगिक शहरों में पाई जाती क्योंकि जिस अनुपात में लेबर की डिमांड है उससे अधिक पूर्ति हो जाती है। शिक्षित बेरोजगारी बड़ी दुखदायी है क्योंकि व्यक्ति इसमें पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया और उसके बाद भी वो बेरोजगार रहता है। मौसमी बेरोजगारी आप जान ही रहे, खेती बाड़ी का काम रहता है, किसान लगा रहता नहीं, बेरोजगार हो जाता है। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत होती है उससे अधिक लोगों का लगा होना, जिनके द्वारा किया गया सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो इस टॉपिक में ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे विस्तार से बताएंगे। अब जो अगला टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण, वो है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब सरकार की नीतियां क्या हो, कैसे हो, किसके लिए हो, ये बताने वाली नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। देखिए, प्रारंभ में कोई सरकार की ज्यादा भूमिका नहीं थी, सरकार नाम मात्र का काम किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे समाज में विषमता बढ़ती गई वैसे वैसे सरकार की भूमिका भी बढ़ती गई। सरकार देखिए करती क्या है, तीन चीज करती है विषमता को दूर करने के लिए। पहला काम कर लगाती है, दूसरा काम ऋण लेती है, तीसरा काम व्यय करती है। कर देखिए दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष दूसरा अप्रत्यक्ष। ऋण भी दो तरीके का होता है, देश के अंदर और दूसरा देश के बाहर। व्यय भी दो प्रकार का होता है, योजनागत और दूसरा होता है गैर योजनागत। चीजों को समझिए, रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जैसे डॉक्टर नस पकड़ता है, बता देता है पूरी बॉडी का टेम्परेचर, उसी तरह टॉपिक का मैं आपको नस पकड़ा दूंगा, पूरे टॉपिक का टेम्परेचर आप अपने आप बता देंगे। तो देखिए कर क्या है, कर एक अनिवार्य अंशदान है जिस पर लगाया जाता है, वो देने के लिए बाध्य है, उसके बदले में वो सरकार से कुछ पाने का दावा नहीं कर सकता। जबकि सरकार यदि ऋण लेती है तो उसे ब्याज सहित अदा करने का वचन भी देती है। कर देखिए दो प्रकार का, प्रत्यक्ष रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर लगाया जाए उसी से वसूला जाए, और उस कर का विवर्तन कर पाना संभव ना हो। जैसे आय कर, निगम कर, संपत्ति कर। जैसे मान लीजिए किसी की 1 लाख इनकम है, उस पर हमने टैक्स लगाया, उसने 10% दे दिया, डायरेक्ट टैक्स। किसी की संपत्ति पे लगा दिया, डायरेक्ट टैक्स। किसी के कंपनी पे लगा दिया, डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस पर लगे उसका भुगतान वही करे तो डायरेक्ट, और जिस पर लगे उसका भुगतान कोई और करे तो इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, हमने उस पर 10% टैक्स लगा दिया, मरीज से वसूल रहा 100 रुपए। हमने डॉक्टर पे 20% टैक्स कर दिया, उसने वसूलने लगा मरीज से 200।
तो टैक्स लगा किस पर? डॉक्टर पे। वसूला किससे? मरीज से। तो ये सेवा कर कैसा कर हो जाएगा? आप प्रत्यक्ष कर। कहने का मतलब जिसको थप्पड़ मारो दर्द उसी को करे, तो ये डायरेक्ट दर्द होगा। और जिस पर थप्पड़ मारो दर्द किसी और को करे, तो इनडायरेक्ट दर्द होगा। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, जब आप मूवी देखते होंगे तो उसमें ये भी देखते होंगे कि जब भाई साहब हीरो को मारते हैं तो हीरोइन चिल्लाते हुए आती है और कहती जहां पना बस करिए, अब मत मारिए, क्योंकि मारते हो हीरो को और दर्द होता है हीरोइन को। तो ये कैसा दर्द हुआ? इनडायरेक्ट। तो आप इसको समझिए, जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, जीएसटी कर, ये सारे टैक्स इनडायरेक्ट है। आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सारे टैक्स प्रत्यक्ष करें। चलिए सरकार ने कर लगा दिया, अब सरकार को कम पड़ने लगा तो ऋण लेगी, पहले देश के अंदर लेगी फिर बाहर लेगी। राज्य सरकार देश के अंदर लेती है, केंद्र सरकार देश के अंदर और बाहर लेती है। व्यवहारिक जीवन में समझें तो योगी देश के अंदर अंदर ऋण ले हैं, मोदी देश के अंदर बाहर दोनों जगह ऋण ले हैं। अब आगे आइए, योजनागत व्यय और गैर योजनागत। जैसे आपको एक गिलास जूस पिला दिया जाए, आपको एनर्जी मिल जाए, तो योजनागत व्यय। अब भक्का जो उल्टी कर दो तो गैर योजनागत व्यय। कपड़ा पहन लो कह दो चल शरीर को सुकून दे तो योजनागत व्यय, और खजुआई लागे तो गैर योजनागत व्यय। इसी तरह सरकार भी करती है, और गैर योजनागत व्यय सरकार कल्याण के लिए करती है, जैसे सब्सिडी, पेंशन, ब्याज माफी, ये जितना भी काम करती है सरकार कल्याण के लिए करती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे मुद्रा स्फीति एवं संकुचन, इसमें सब बजट भी पढ़ाएंगे। बजट फ्रांसीसी शब्द बुजट से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। विश्व में सबसे पहले बजट रॉबर्ट वॉलपोल ने प्रस्तुत किया, इसलिए विश्व में बजट के जनक रॉबर्ट वॉलपोल माने जाते हैं। भारत में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया, इसलिए भारत में बजट के जनक जेम्स विल्सन माने जाते हैं। बजट में ये प्रावधान होता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। फिर 2019-20 का बजट बढ़ा दूंगा, बजट की पूरी प्रक्रिया बता दूंगा, जेंडर बजट, आउटकम बजट, शून्य आधारित बजट, कैसे बजट है ये सब बताऊंगा। निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री महिला ने बजट पेश किया, उसका पूरा प्रावधान बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन। जरा समझिए, मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन। जरा समझिए, स्फीति को महंगाई कहते हैं और संकुचन को मंदी कहते हैं। अगर डिमांड अधिक है सप्लाई से तो ये कंडीशन इसकी होगी, और सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से तो ये कंडीशन इसकी होगी। क्योंकि देखिए, अगर डिमांड इक्वल टू सप्लाई बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अब अगर इस दोनों में डिसबैलेंस हो गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड कम तब भी दिक्कत, डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई कम तब भी दिक्कत। मतलब इतने मोटे भी ना हो जाओ कि चलने के लिए परेशान रहो, इतने पतले भी ना हो जाओ कि फूंक दे उड़ जाओ। जैसे शरीर के लिए मेंटेनेंस जरूरी है, उसी तरह इकोनॉमी के लिए भी मेंटेनेंस जरूरी है। दुनिया में किसी भी चीज की जैसे ही पूर्ति बढ़ जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जरा चीजों को समझिए कि जब किसी वस्तु की कीमतें धीरे धीरे पर लगातार बढ़ती चली जाए तो उसे मुद्रा स्फीति कहेंगे, और जब किसी वस्तु की कीमतें धीरे धीरे पर लगातार गिरती चली जाए तो उसे मुद्रा संकुचन कहेंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट में टमाटर की दुकान एक हो, खरीदने वाले बहुत सारे हों, तो टमाटर की कीमत बढ़ती जाएगी। विक्रेता कहेगा 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, 40, पलक झपकाओ 100, 200, 300, 400, 500, कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन ये मुद्रा स्फीति की कंडीशन है। पता चले टमाटर पूरे मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं, और कोई चला जाएगा तो कीमतें गिरते चले जाएंगे। फिर विक्रेता क्रेता टाइट हो जाए, का भाव दियो 10 रुपया में, और कम करिए 5 में ले लें, और कम करें 3 में ले लें भैया, और कम करें 2 में ले लें, और कम करें 1 में ले लें भैया, और कम करें 3 में ले लें भैया। ये कंडीशन संकुचन की है। पैसा लेके मुट्ठी में जाओ और सब्जी ट्रेन में लाओ, ये मुद्रा संकुचन होगा। पैसा को लेके थैले में जाओ और सब्जी जेब में लाओ, ये मुद्रा स्फीति होगा।
तो इस तरह से हम टॉपिक को पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। यूपीएसआई ने जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम सॉल्व कराएंगे और जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है उसको भी बताएंगे। या तो जितने पूछे गए हैं वो पूछे जाएंगे या जितने बनने की संभावना वो पूछे जाएंगे, बाकी पूछे कहाँ से जाएंगे। इसलिए हमको एक रणनीति के तहत पढ़ाई करनी है ताकि यूपीएसआई आपको तुरंत क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं पाते बल्कि सही दिशा में सही तरीके से पढ़ने वाले सिलेक्शन पाते हैं। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, फिर हम आपकी अगली क्लास कंटिन्यू यूपीएसआई के क्लास के साथ मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक मित्रों, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी समस्याएं हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। धन्यवाद।